मुसीबत पड़े। कौन सी मुसीबत, कौन सी मुसीबत सबसे बड़ी? इमाम से एक एक करके पूछा। इमाम ने कहा नहीं, सारी मुसीबत अपनी जगह, मगर सबसे बड़ी मुसीबत क्या है? हाय शाम, हाय शाम। बोला शाम में न जाने क्या हुआ। अल्लाह अकबर। जिसकी मां बहने बाजार में खड़ी रहे और लोग छतों से नजारे करते रहे, उस इमाम से पूछे कि किस तरह खड़ा हुआ होगा। हाँ ज्यादा रण मोहतरम, बस थोड़ा सबर कीजिएगा। बस इमाम का जनाजा, उसका जनाजा है कि जिसे हाथों में रस्सियां, गले में तौक है। मेरा चौथा पांचवां इमाम से पूछा गया कि जब बाबा को गुसल दे रहे थे ना, उसी इमाम का जनाजा है। जब चौथे इमाम को गुसल दिया ना पांचवें इमाम ने, रावी ने पूछा इमाम बाकर से, मौला ये आपके बाबा के कंधों पे जख्म के निशान कैसे है? अल्लाह अकबर। मेरा मौला कहता है कि जंजीर से गुल गर्दन पर बंधे हुए थे। गुल किसे कहते हैं? एक लोहा हो जो गर्दन में बंद हो, उस पे ताला लगा हो। खुद मौला कहते हैं कि मैंने एक जगह पर उमर साद से कहा कि मुझे अमामे का कपड़ा दे दे। कहा क्यों? कहा ये जब सूरज की रोशनी में गर्म होता है तो बदन जलने लगता है। वो कहता है जैसे ही कपड़ा रखा जिल्द उसके साथ आ गई।